नमस्कार जोहार, सुन रहे हैं आप झारवा टीवी का डिजिटल रेडियो और आपके साथ मैं हूं जया। आप झारखंड की प्रमुख खबरें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं सुर्खियां। आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा पुनर्वास अनुदान की राशि, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वापस लौटे प्रवासियों को लेकर कहा, अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक लोग कर रहे हैं काम, 10 लाख मजदूरों को रोजगार देगी सरकार। और अनरजिस्टर्ड एजेंसियों द्वारा झारखंडी मजदूरों को दूसरे राज्यों में ले जाना नहीं होगा आसान, झारखंड सरकार तय करेगी नियम। सुर्खियों के बाद अब खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में 3 को 4-4 लाख रुपए, 9 उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में किया जाएगा। इन उग्रवादियों में 11 भाकपा माओवादी, 2 PLFI और 1 TPC का सदस्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अधीन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन किया जाना है। इस समिति के अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधि विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक इसके पदेन सदस्य होंगे। अधिवक्ता लिपिकों में से 3 को इस समिति में शामिल किया जाएगा। इसमें से 1 अधिवक्ता लिपिक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं राज्य स्तर पर कोविड-19 से निपटने के प्रयासों व मजदूरों के हित में किए जा रहे इंतजामों को लेकर जानकारियां साझा करते हुए सरकार का रुख स्पष्ट किया। हम लोगों ने जो क्वारंटाइनों का जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स को बहुत बढ़िया तरीके से डिसेंट्रलाइज कर रखा है और लगभग हम लोग का 750 लोग अभी चिन्हित हो चुके हैं और उसमें से भी लगभग मुझे लगता है कि 300 के लगभग ठीक होकर के वापस जा चुके हैं। तारीफ की भी बात यह है कि पूरा देश आज सरकारी अस्पतालों पर ही टिकी पड़ी है। हमारे राज्य में तो प्राइवेट अस्पतालों ने लगभग ताले बंद कर दिए ऐसे इस संक्रमण में। ये पूरा का पूरा सरकारी व्यवस्था पर ही हम लोग अभी इस जंग को लड़ रहे हैं। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में गरीबों, असहायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 17,000 कम्युनिटी किचन संचालित हो रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को अनाज और खाना की उपलब्धता कराई जा रही है लगातार अभी 2 महीने से। अभी हम लोगों के लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि 16-17 हज़ार सामुदायिक किचनें चल रही हैं, जहाँ पर लोगों को पका हुआ भोजन मिलता है और ये अभी हम लोगों ने 1 महीने के लिए और भी बढ़ा रखा है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कहा कि लॉकडाउन के दौरान अब तक राज्य में विभिन्न माध्यमों से करीब 4.5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। लोग बहुत अपने अपने तरीके से भी आए, कोई बसों से आ गए, कोई ट्रक से आ गया, कोई मोटरसाइकिल से आ गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग 4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य के अंदर और अभी हम लोग का फ्लाइट का लोगों को फ्लाइट से लाने की सिलसिला अभी भी जारी है हम लोगों का। अभी आप देखेंगे कि हमारे रोजगार के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले ही कुछ चीज़ें को तैयार कर रखा था और आज सरकार के द्वारा जो माइग्रेंट लोग हैं वो लोग भी और जो पहले से यहाँ पर हमारे मजदूर थे उनको भी
और कई योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य शुरू भी कर दिया। लगभग 5.5 लाख से लोग अधिक लोग अभी प्रतिदिन काम कर रहे हैं और ये हमारा टारगेट है कि 10 लाख प्रतिदिन लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारी बिल्कुल ये संकल्प है और गारंटी के साथ इनको हम देंगे और उससे अधिक जितना हो। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंडी मजदूरों के बाहर के राज्यों में काम के लिए ले जाए जाने की व्यवस्था को रेगुलेट करने को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। मैं जो मुझे पता चला है कि 11,815 लोगों को फिर से यहाँ मजदूर के रूप में ले जाने की बात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट डाला है। और अब चूंकि थोड़ा सा ये बात पहले और बड़ा आश्चर्य की बात है, इससे पहले हमें पता नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर उन सुदूरवर्ती और कठिन जगहों पर काम करने जाते थे। क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो अब पता चला है कि यहाँ ट्रेनों से ले जाना है उनको, तब ये परमिशन की बात आई तो हमें पता चला है। जबकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारे लेबर एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब कोई भी राज्य, अब हम लोग सभी राज्यों के साथ या फिर केंद्र सरकार अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा रही है तो केंद्र सरकार को भी हम लोग पार्टी बनाएंगे, राज्य सरकार होगी तो राज्य सरकार को भी पार्टी बनाएंगे। त्रिपक्षीय जो एग्रीमेंट होता है उसको करने के पश्चात हम मजदूरों की सुरक्षित व्यवस्था को देखते हुए ही हम लोग आगे लेंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए केंद्र की ओर से झारखंड का जो हक है वो अवश्य दिया जाना चाहिए। हमारे राज्य में सबसे अधिक केंद्र सरकार उपक्रम काम करती है, जैसे कोल इंडिया की माइनिंग चलती हैं और स्टील प्लांट के जो भारत सरकार के उपक्रम है वो चलती हैं। ऐसे कई संस्थाएं जो भारत सरकार के चलती हैं, DVC है, वो सारी चलती हैं। आज इन सब को मिलाकर के लगभग 75,000 करोड़ रुपया हमारे इन संस्थाओं से निकलता है। और हम अगर हमें अपना भी अधिकार मिल जाए, 75,000 करोड़ रुपया हमें मिल जाए तो भी हम अपना चीज़ों को रोटेशन पे ले आ सकते हैं और एक राज्य को अच्छी स्थिति पर ला के खड़ा कर सकते हैं।